हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगी और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुपहर से। तो जी, आप सब लोग जानते ही हैं कि रमज़ान आने वाला है और हर एक किसी की कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले पहले जितने भी छोटे मोटे काम हैं ना, वो घर के ख़त्म कर लिए जाएँ, जैसे शॉपिंग हो गई, ईद के कपड़े हो गए। तो उसी सिलसिले में आज मैं भी निकल पड़ी कि चलो जी, ये काम ख़त्म होने होने में भी ना एक हफ़्ता तो लग ही जाना है। तो जैसे कि बच्चों की ईद होती है और बच्चे ही इसी ईद पे खुशियाँ मनाते हैं, बड़ों की क्या ईद अब रहेगी। तो बच्चों के लिए निकली थी तो सोचा कि छोटा सा एक व्लॉग भी बना लूँगी और आप लोगों को भी अपने साथ दिखा लेती हूँ कि मैं कहाँ गई थी और मैंने क्या क्या लिया। तो चले जी, एक प्यारे से सफ़र में मेरे सब प्यारी फैमिली जो है ना, वो मेरे साथ रहे। मैं जहाँ भी जाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चले जी, देखिए जी, हम पहुँच चुके हैं एंट्रेंस। ये है जी दुरान शॉपिंग सेंटर। मेरे अंदर बाहर आते सारे जो ना वो जो आग पड़ता है मेरे अंदर का ब्लॉगर। यहाँ से देख लेते ना। नहीं नहीं, शलवार तो बाद में देखते हैं। ये कितना खूबसूरत कलर है, देख, ये बहुत प्यारा है। बच्चों के ना प्लेन बनाना चाहिए, इस तरह करके ना मस्टर्ड मस्टर्ड गरारा और प्लेन शर्ट करनी है। ये कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है, यहाँ से आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। चलें जी, देखते हैं क्या चीज़ पसंद आती है। आयत, पाँव में मत आओ बेटा। ये है जी ब्राइडल कलेक्शन। आए थे हटना में जो दिखा लें दो। आ रही हूँ आ रही हूँ। हाँ जी, तो नीचे से तो कुछ पसंद ही नहीं आया तो सोचा चले ऊपरली स्टोरी में चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिल सकता है। एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बच्चों के ना इस टाइम दिल कर रहा था कि बिल्कुल लॉन का पतला सा स्टफ़ लेके ना उसका ही कुछ जो ना बना लिया जाए, जिससे बच्चे भी खुश हो जाएं और गर्मी के अंदर वो पहना हुआ भी ना खूबसूरत लगे। तो इसी सिलसिले में ऊपर की तक चले थे। ये देखें जी, वहाँ पर ब्राइडल कलेक्शन भी अवेलेबल थी। ये बहुत एक्चुअली कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है, आपको हर तरह की वैरायटी यहाँ पर मिल जाती है। ये देखें, वेलवेट की ह्यूज रेंज है, हर तरह की वेलवेट एम्ब्रॉयडर्ड भी आपको मिल जाएगी, प्लेन भी आपको मिल जाएगी और बहुत खूबसूरत कलर्स के अंदर अवेलेबल है। देख सकते हैं आप मेरे साथ रहें, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखें, ये एम्ब्रॉयडर्ड है और ये स्टिच्ड कपड़े भी हैं और खुला कपड़ा भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से काफ़ी कुछ मिल जाता है, जॉर्जेट भी है, नेट भी है, गर्म कपड़ा भी है, हर तरह की वैरायटी और बाज़ार से कम रेट के ऊपर आपको मिल जाती है और फाइन, बहुत ही फाइन लॉन होती है इनकी। बस इसी की खोज में थे कि कुछ मिल जाए, कुछ अच्छा सा मिल जाए। कि देखिए बच्चों को यहाँ पे भी अपनी मस्ती जो है ना वो नज़र आ जाती है, बच्चा पार्टी तो हर जगह खुश हो जाती है। तो चलिए देखिए जी, ये वेलवेट ये भी पड़ी हुई थी, पीछे भी मैंने आपको दिखाई थी और ये खुला कपड़ा पड़ा हुआ था, इसमें नेट भी थी, इसमें जॉर्जेट के भी पीस पड़े हुए थे, एक्चुअली शर्ट पीस ही थे। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसमें से भी शर्ट पीस आप लोग बनवा सकते हैं। तो खैर मुझे यहाँ से भी कुछ पसंद नहीं है क्योंकि गर्मी थी तो नेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ये पीस अच्छा लगा था लेकिन फिर इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये नेट था तो गर्मी में इसका कोई भी काम नहीं था, तो इसको यहीं पर रख दिया। ये देखिए सामने भी आप लोगों को नज़र आ रहा है और ये खूबसूरत शलवारें थीं कि दिल कर था कि बस इनमें से हर एक किसी में से ना एक एक पीस उतरवा लिया जाए, लेकिन जिस काम के लिए मैं आई थी पहले मैंने वो काम करना था, फिर अपनी बारी बाद में। तो ये प्रिंटेड जो थे ना फूलों वाले, ये गर्म कपड़ा था तो सिर्फ मैं बना रही थी, शूट कर रही थी ताकि आप लोग देख सकें। ये जी चिकन के अंदर कपड़े हैं, ये भी शर्ट पीस है, आप शर्ट भी बना सकते हैं, आप शलवार का भी या ट्राउज़र का कपड़ा भी ले सकते हैं। मुझे एक रेड अच्छा लगा था ये वाला, लेकिन फिर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे गर्मी के अंदर ना कुछ भी अगर मोटा सा या चिकन का कुछ भी बना दो तो वो खाम खा जो ना वो बेजार होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको भी जो ना हमने क्विट कर दिया। बस आप लोग देखते जाएँ और खुश होते जाएँ जी, क्या क्या कपड़े की वैरायटी पर नज़र आ रही है। लेकिन खैर यहाँ से भी कुछ नहीं था पसंद आया, यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए आप कुछ भी यहाँ से पसंद करके स्टिचिंग भी करवा सकते हैं, यहाँ पे स्टिचिंग भी अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी शॉप है ये, बाज़ार से कम रेट के ऊपर आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। चलें जी, देखते हैं क्या फाइनली इन दो के साथ। ये इनके साथ प्लेन चाहिए, एक इसके साथ और एक इसके साथ। ये
फाइनली घरारे के लिए तो कपड़ा मिल ही गया और वो नीचे से ही पसंद आया था। तो ये देखिए जी, एक ये मैंने ब्लैक में करवाया था और एक मैंने ये पर्पल, पर्पल कहाँ गया, वो ऊपर करके है पर्पल जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये वाला पर्पल, वो देखिए जो ब्लू के नीचे था। बस यहाँ से दो पीस लिए, बिल करवाया और बाहर की तरफ निकल पड़े। तो चलिए जी, बस इतना सही मुझे आज पसंद आया, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो उन्होंने हमें साफ अल्टीमेटम दे दिया था कि जी जो जो पसंद करना है वो जल्दी कर लें, क्योंकि हम लोग जो है ना वो शॉप्स बंद करने लगे हैं। तो बस फिलहाल शॉर्ट टाइम के ऊपर निकले थे, क्योंकि निकलने की टाइमिंग ही गलत थी, हम लोगों को एक्चुअली सुबह के टाइम निकलना चाहिए था। खैर बस ये हमने टू पीस ही लिए, बच्चों के लिए लिए थे, तो गरारे के लिए मैंने कपड़ा लिया था। अब आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं इसके साथ शर्ट जो है या चोली किस कलर की करवाऊँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपना मशवरा दिया करें जी। तो मैं घर आ चुकी हूँ, तो बस ये आज ज़िद करी थी कि आज का व्लॉग जो मैं स्टार्ट करूँगी और मैं ही दिखाऊँगी अपनी सारी शॉपिंग। चलें जी, आयदा आप बताएँ आज की आप शॉप से लेकर आई हैं, दुरान से क्या लेकर आई हूँ, प्लीज़ दिखाएँ व्यूअर्स को। खोल के दिखाओ, ये देखें जी, ये ब्लैक में लेकर आए थे जो टू पीस, सिर्फ शॉर्ट टाइम था क्योंकि उन्होंने बंद करना था लॉकडाउन की वजह से, तो इस वजह से हम लोग जो है जल्दी वापस आके उसके साथ की अब शर्ट्स हम लोगों ने लेने, फिर दोबारा जाना है। ये मेरे लिए पर्पल, ये हमने लिया घरारे के लिए, बहुत अच्छी लॉन है, फाइन लॉन है, और जब ये बनेगा कम्प्लीट होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलें जी, और बाकी जो हम लोगों ने स्टिच लिए हैं वो भी दिखाएगी आई थी आपको। चलें जी, आए खोल खोल के सामने रख के दिखाओ। इस तरह नहीं ना, पकड़ के आप सीधा करो, मैं वहीं से कैप्चर करती हूँ जी। ये जी कैजुअल पहनने के लिए लिए थे, ईद के सेकंड डे और थर्ड डे भी पहन सकते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी सख्त है तो बच्चों को जीन्स साथ इन्हीं को कैरी करवाएंगे या कैप्रीज के साथ। यहाँ पे स्लीव्स के ऊपर वो भी पहन। चलिए जी, नेक्स्ट दिखाएं, इसको साइड पर रखते जाओ। और ये एक पर्पल कलर की शर्ट है, गोल्डन 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 ही बेटा, सिल्वर है। हाँ जी, एक ये शर्ट होगी। चलिए नेक्स्ट दिखाएं, चलिए चलिए, व्लॉग लंबा हो जाएगा फिर, आप ऐसे करते जाओ वो देखते जाएंगे खुद ही, ठीक है। जल्दी जल्दी खोलो। ओके, इतने कपड़े ले आइए आए, हमारे अभी कुछ भी नहीं लिया। एक ये टाई एंड डाई के अंदर थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, तो ये भी मैंने ले ली। ओके नेक्स्ट, एक पिंक कलर का फुल बाजू वाला, ये नेक्स्ट सीजन के लिए ले लिया था, मुझे अच्छा लगा था ना, तो इसको हम संभाल देंगे अभी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बाद में लंबा हो जाएगा ब्लॉग, फिर आपके सारे जो फ्रेंड्स हैं वो बोर हो जाएंगे, तो हमने बोर नहीं करना, सिर्फ दिखाना है उनको। ये ऑफ शोल्डर में एक ये भी मुझे मिली थी बटरफ्लाई की, ठीक है। नेक्स्ट आए, ऐसे ही दिखा दो, ऐसे ही ऊपर करके दिखा दो। अच्छा, खोल के दिखाना है अपने। हमारी आयत को पर्पल कलर बहुत पसंद है, इसलिए हमने हर चीज़ जो है ना वो पर्पल कलर के अंदर ही जो ना मोस्टली लेनी पड़ती है हमें। ऐसे दिखा दो, ये ऐसे ही है सेम, ऐसे बस ऐसे डिज़ाइन दिखा दो। हाँ जी, ये ब्लू कलर के अंदर है, ये पीछे भी लिखा है, और ये खोल लो। अच्छा जी, उसने खोल के ही दिखाना है आप लोगों को, ऐसे कर दो ना। ये क्या लिखा है मुझे ऊपर, लव टू डांस, इतना खूबसूरत कलर है। ये भी ऐसे ही दिखा दो, ऐसे ही दिखा दो, हाँ ऐसे। माय लाइफ इज़ सो, ये है जी येलो कलर में, और ये है जी एंड पे वाइट कलर के अंदर। अब हम बस थोड़े से लेंगे साथ उसके कैप्रीज, इसमें हम इनको कैप्रीज ले लेंगे। आपने खुल के दिखाना है तो आप खुल के दिखा दो। गर्मियों के अंदर बस यही होता है कि ईद पे बस फर्स्ट डे बच्चे ज़रा अच्छा सा तैयार होना चाहते हैं, तो सेकंड और थर्ड डे जो ना बच्चे कैजुअली रहते हैं। तो हाँ जी, जीन्स की पैंट रह गई है, ये भी आपने खोल के दिखानी है। चलिए जी, ये होगी जी बच्चों की, ये होगी जी कैप्री कॉटन के अंदर, ये भी पिंक कलर की, वो अब वो रह गया, वो भी लेकर आओ जल्दी से। हाँ जी हाँ जी, ये जी मैंने एक अभी फ़िलहाल लिया था, ये नेट का है, तो इसको ऐसे आप देख लें, खोल सकते हो, इसको खोल के दिखा दो जल्दी जल्दी। मैंने एक्चुअली अभी तक कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, हाँ ऐसे ही बस। तो ये है जी मेरा
अब देखें इसको कब सिलवाते हैं, क्या पहनने का दिल भी करेगा कि नहीं, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको जो है ना वेयर करूँगी। तो बस ले लिया था, पसंद आया तो ये ले लिया। एक्चुअली ये मुझे मेरी अम्मी ने गिफ्ट किया है, तो ये उनकी तरफ से ईद का गिफ्ट था, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलें इसको देखेंगे, जब सिलवाएंगे तो आप लोग से शेयर करेंगे। चलें जी आयत, ये आपकी छोटी सी शॉपिंग थी, अब आप ही ब्लॉग को एंड करें। ऐसे नहीं, क्या कहना है? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। ठीक है जी, ये जी आयत, चलें जी, ये थी छोटी सी वीडियो और ये थी छोटी सी शॉपिंग हमारी, और जब हम लोग वो गरारे सिलवाएंगे तो आप लोगों के साथ उसको भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये जी आयत का फेवरेट कलर है। चलें जी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को नज़र नहीं आऊँगी, आज सारा ब्लॉग जो आयत एंड करेगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।